हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं आज कुछ नया बताने वाली हूँ। जैसे कि क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, उनमें हमेशा ये देखा जाता है कि उनको बहुत टेंशन रहता है इस चीज़ का कि यूनिट टेस्ट में क्या पोर्शन आएगा या फिर यूनिट टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव जो थिंग्स है वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका यूनिट टेस्ट है वो होता कब है। तो यूनिट टेस्ट जो है आपका वो जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका होता है। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट में दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूनिट टेस्ट कितने मार्क्स का होता है। तो यूनिट टेस्ट आपका 25 मार्क्स का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा फिलिंग द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वहाँ पर आपको कोरिलेशन देखने मिलेगा या फिर ऑड वाला क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के और एवरी क्वेश्चन जो होते हैं वो 5-5 मार्क्स के होते हैं, या अग्री डिसअग्री हो सकता है, या आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, आपको 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन जो है ब्रीफ में पूछा जाता है। ठीक है, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो 4 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि पोर्शन कितना आएगा। तो टोटल आपके चैप्टर, आपके टेक्स्ट बुक में 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 चैप्टर में से आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर्स तो आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा है यूटिलिटी एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स हमारा वो है 3A डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली इतने 3 चैप्टर्स जो है वो आपको पढ़कर रखने हैं आपकी यूनिट टेस्ट के लिए। और ज्यादातर आपका फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। देखो, अगर ये कॉलेज पर डिपेंडेंट है, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो 3 की जगह 4 चैप्टर्स रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि कॉलेज ने कितना पोर्शन कवर किया है या कॉलेज किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड की हुई है। ठीक है, यूजुअली जो होता है वो 3 चैप्टर ही पूछा जाता है। तो अभी से आप लोग आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जब कोई भी चैप्टर आप फिनिश करते हो, इमिडिएटली आपको क्या करना है, उसका एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करना है विदाउट एनी हेल्प। जब आप उसका एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करते हो, देन यू गेट नो कि मुझे ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया है। और अगर आप फिर यहाँ वहाँ मतलब गूगल का हेल्प या टीचर का हेल्प या फ्रेंड्स का हेल्प या किसी और की बुक लेके कंप्लीट करते हो, इन दैट केस आपको प्रॉब्लम देखने मिलती है क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहती है। तो मैं यही जो एडवाइस करूंगी आपको कि आप जितना हो सके उतना जो एक्सरसाइज है वो खुद से सॉल्व करें, तो आपका यूनिट टेस्ट का तो प्रिपरेशन वैसे ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो ज्यादातर आप अच्छा हाँ, अब ये होता है कि लॉन्ग आंसर के लिए कि कौन सा क्वेश्चन चूज करें। क्वेश्चन नंबर 6 में जो होता है हमेशा वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 में होता है आंसर द फॉलोइंग, वो हमेशा 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। तो टोटल आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। पहला चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है आपको, पहला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है यूटिलिटी एनालिसिस, और तीसरा जो है वो है आपका 3A डिमांड एनालिसिस। तो ये वीडियो बस इतनी से के लिए थी। आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, और कोई भी डाउट क्वेरी आती है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा न्यू चैनल है, बट स्टिल आई एम 100% फोकसिंग ऑन योर कि आपका कॉन्सेप्ट मैं हर तरीके से क्या कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।